हेलो बच्चों, कैसे हो? लेक्चर फाइव, वॉइस का लेक्चर फाइव, इंट्रोगेटिव का एक्टिव पैसिव को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टेप वॉइस ही चलने में आपका एरर जो है ना कम है। कल जो वीडियो दिया है उसका स्टेप का बेसिक है। ये सब स्टेप को फॉलो करेंगे। जिसमें स्टेप फॉलो नहीं करना है वो हम अलग से बताएंगे, ठीक है? लेकिन जिसमें स्टेप फॉलो करना है उसमें मामूली सा मामूली एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा मॉडल एक्सप्लेनरी वर्ब वाला को देखते हैं, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे मैंने कैन आई राइट अ लेटर, क्या लिखा है मैंने? कैन आई राइट अ लेटर, ये मॉडल एक्सप्लेनरी वर्ब है। यहां पे सारा आ सकता है। क्या है? कैन और वर्ब वन का है, यानी कि सिंपल फर्स्ट वाला जो सिंपल फ्यूचर में जो बेल्टी ये था ना, वही चीज है, उसी का इंट्रोगेटिव है। उसमें मॉडल एक्सप्लेनेटिव शैल विल भी हो सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारा चीज इसमें हो जाएगा, वुड, शुड। ठीक है, कुछ भी रहे वैसे ही चलेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहां पे आई के बाद हैव नहीं है और ये वर्ब थ्री नहीं है, तो फिर ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, उसका हम अलग से वो उसमें बता चुके हैं। खैर, ये इंट्रोगेटिव है। देखो कैसे होता है, जैसे कैन आई राइट अ लेटर, सिंपल सेंटेंस कर दिए, आई कैन राइट अ लेटर, हो गया। अब इसको कन्वर्ट किए तो क्या हुआ? ए लेटर कैन बी रिटन बाई मी, हुआ ना? जैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब थ्री आ गया ना, आ गया। उसके बाद क्या करना है, इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब को, ये जो हेल्पिंग वर्ब है या जो भी है, कैन को हम यहां पे आगे कर दिए। ठीक है, क्या किए? आगे कर दिए और क्वेश्चन मार्क दे दिए। ये हो गया आपका पैसिव, मीन्स इस एक्टिव का पैसिव ये है ना, हो गया। अब कैन की जगह शैल लगा लो, विल लगा लो, है शुड लगा लो, गुड लगा लो, मे लगा लो, माइट लगा लो, कुछ भी लगा लो। ओके, ठीक है। अब इसमें यस नो क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखना, एक एक स्टेप को देखना, बार बार देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, अब स्क्रीनशॉट लेने के हमको बार बार नहीं करना पड़े। जैसे ही मैं रब करने के लिए तैयार हूं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेते जाओ, ठीक है, और नोट्स तैयार करते जाओ। ओके, क्लियर? स्टेप बाय स्टेप। चलो अब डब्ल्यू ए क्वेश्चन को थोड़ा सा लुकआउट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ए क्वेश्चन को तो कुछ नहीं करना है। अगर ये मैं यहां पे हाउ कैन, यहां पे हाउ डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? हाउ, और यहां पे हाउ, हाउ हो गया ना, हाउ कैन आई राइट अ लेटर। अब देखो करना क्या है, यहां पे तो हम कैन रहता था तो ऐसे बनाते थे, ठीक है ना, अब वैसे ही बनेगा। करना क्या है, अगर इस जगह पे हाउ रहे, वाई रहे, व्हाट रहे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हुम और व्हाट, सॉरी हुम नहीं हो या वाई नहीं है। ओके, ठीक है, इसमें मैं कुछ दे देता हूं आप लोग को। जैसे हु नहीं हो, हूर हो सकता है, हु नहीं हो, हुम नहीं हो, वाई हो सकता है, ठीक है, और हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, वेल हो सकता है। जैसे ये सब लगे, वेन कैन आई राइट अ लेटर, हाउ कैन आई राइट अ लेटर, होगा ना। तो करना क्या है, सिंपल स्टेप को समझो, मीनिंग लॉजिक को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या है स्टेप, कैसे मेरा क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले ये जो हाउ है, ये जो हाउ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, भूल जाएंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग यहीं पे रोक देंगे, यहां से हमको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहां से देखेंगे? कैन आई राइट अ लेटर, देखिए, देखिए कैन आई राइट अ लेटर, अब बना है आई कैन राइट अ लेटर, बन गया। उसके
बाद ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी, ये भी बन गया ना। अब इसको कन्वर्ट करिए तो क्या हुआ, कैन अ लेटर बी रिटन बाय मी, ऐसा हो गया ना, हो गया। तो अब यहां पे हाउ को डाल देंगे लास्ट में, वहां पे छोड़ देंगे, लेकिन लास्ट में जब मेरा सारा एक्शन हो जाएगा तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हो गया ना इसका और उसका, हो गया या नहीं हो गया, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक सेंटेंस को और देखते हैं, ठीक है, सिंपल है। बोला है इसको यहीं पे भूल जाएंगे। अब मेरे पास क्या है, वेयर यू राइटिंग ए लेटर, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यू वेयर राइटिंग, हो गया ना राइटिंग लेटर, ठीक है, हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको कन्वर्ट किए पैसे में तो क्या होगा, ए लेटर अब ये वेयर तो यू के लिए आया, लेकिन ये लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा, वाज, वाज है पास्ट में चला गया। अब क्योंकि कंटिन्यूअस में है तो पैसे में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीइंग लाना पड़ेगा, बीइंग लिया है, राइटिंग है, इसका वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, रिटन कर दिए, और उसके बाद यू है तो बाय, हो गया, ये हो गया ना, पैसिव बन गया। अब इस वॉज को हम लोग आगे ले लेंगे, वॉज अ लेटर, वॉज अ लेटर बी बी रिटन बाय यू, ठीक है। अब यहां पे वेन को छोड़े थे ना, वेन को छोड़े थे, यहां पे पुट कर देंगे, When was a letter being written by? देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक डब्ल्यू एच और इसमें से बना देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, ले लिए, ले लिए ना। अब एक डब्ल्यू एच को और ले लो, इसी को वेट की जगह पे सेंटेंस यही है तो हम मान लो वेयर, वेयर अगर रखनी है तो क्या हुआ, वेयर वेयर यू राइटिंग अ लेटर, तुम कहां लेटर लिखते है ना, तो वैसे ही चलेंगे वेन की जगह पे, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बस स्टेप को समझना है, यस नो और डब्ल्यू एच का स्टेप समझना है, तो ये सब चीज को देख लो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह को आराम से देखो, डाउट होने से यहां पे ये बेसिक है डब्ल्यू एच का। अब यहां से थोड़ा सा अलग टाइप का डब्ल्यू एच दो तीन तरह का बताऊंगा, जहां पे कहीं सब्जेक्ट नहीं होगा, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक मैं ले लेता हूं,
इसको मैं सारा रब कर देता हूं, एक को मैं लेता हूं, ठीक है। ओ आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं वैसा लेता हूं और डिटेल में अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि सारा एक दिन ऐसा होने से आप लोग पजल हो जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। जैसे व्हाट डज शी ईट, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, एक्टिव का क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक्टिव। अब देखो, अब व्हाट डज शी ईट, अब ईट के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहां पे हम पैसिव बनाते वक्त सब्जेक्ट नहीं है, एक्टिव में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ईट के बाद तो कुछ नहीं है ना, नहीं है। तो देखो कैसे बनाएंगे, स्टेप वन में, स्टेप वन, ईट की जगह राइट भी लिख सकते हैं, जैसे राइट लेफ्ट लिख रहे थे तो हम राइट पे भी, लेकिन एक एग्जाम्पल है, कल के क्लास में इसको डिटेल करेंगे। तो इसको जैसे बनाना है तो सिंपल वे में तुम्हारे पास है डज सी ईट, ठीक है, तो तुम इसको सिंपल प्रेजेंट में है तो शी ईट्स एक्स मान लो, मैथ में एक्स मान के चलते हो ना, मैथ में एक्स मान के चलो, एक्स का यूज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में भी करते हैं, अब देखो कितना इजी बनाते हैं, क्या हमने मान लिया वो एक्स को खाती है, चलो बनाते हैं स्टेप टू है, स्टेप टू, अब समझ में आ गया ना। चलो एक्स, और ये जो मानोगे ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, तो तुमको तो पता नहीं है क्या खा रही है, क्या क्या चीज खा रही है, क्या, तो ये तो अनकाउंटेबल है, ओके, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ओके, तो इसलिए सिंगुलर हो गया थर्ड पर्सन, तो एक्स इज ईटन बाय हर, हो गया ना, हो गया ना, एक्स इज ईटन बाय हर। अब देखो पैसिव बनाने के स्टेप थ्री क्या करना है, स्टेप थ्री, इस एक्स को भूल जाओ, एक्स का कुछ तो वैल्यू पुट करना होगा ना, एक्स को छोड़ दो, इन्फिनिटी चला गया, अब इस वाट को लिया, ठीक है, वाट इज ईटन बाय हर, देख लो हो गया, ये पैसिव बन गया तुम्हारा और एक्यूरेसी के साथ बन गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो कल के क्लास में ऐसा ही कुछ कुछ देखेंगे, जहां सब्जेक्ट है, कहां ऑब्जेक्ट है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। आज के लिए तुम लोग इतना ही को करो, ओके, और देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।